नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रदेशवासियों को दी बधाई। रामनवमी के शुभ अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नहीं, कई अन्य राजनेताओं ने भी सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। वहीं कोरोना के फैलते असर की वजह से इस बार की रामनवमी काफी सुनी सुनी रही। जहां एक तरफ हर साल मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना का नजारा देखने को मिलता था, वहीं इस बार सारे मंदिर और गलियां खाली दिखी। बंद के कारण हनुमान मंदिर में रामनवमी के दिन भी पसरा सन्नाटा। जहां हर साल रामनवमी के शुभ अवसर पर हनुमान मंदिर में लोगों का तांता देखने को मिलता था, वहीं इस बार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए और बंद के ऐलान के बाद पूरे हनुमान मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोगों ने अपने घरों में ही पूजा अर्चना की। दिल्ली में फंसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया खाने का इंतजाम। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए बंद के बाद दूसरे राज्यों में बिहार के कई सारे लोग रह गए थे। हालांकि कई लोग वापस आने में कामयाब हो गए, मगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बाहर ही फंस गए हैं। अब ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बदरपुर, सोनिया विहार, पालम कॉलोनी, शकरपुरा, आया नगर, किरारी, बुरारी, गोविंदपुर में रह रहे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। कोरोना से आशंकित लोगों का खर्च उठाएगी बिहार सरकार। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार सरकार ने कोरोना प्रभावित लोगों के लिए राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने कोरोना प्रभावित लोगों के इलाज का सारा खर्चा सरकार ने खुद ही उठाने का ऐलान किया है, जिसके लिए बिहार सरकार ने कोरोना उन्मूलन फंड का गठन किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सभी MLA और MLC से अपील की है कि वह अपने निधि से कोरोना उन्मूलन कोष में 50 लाख तक जमा कराए। कोरोना की स्थिति में राशन कार्ड धारकों के खाते में गए 1,000 रुपए। कोरोना के बढ़ते स्थिति को देखते हुए सरकार ने 14 अप्रैल तक बंद का ऐलान जारी किया था। वहीं बंद के ऐलान से सबसे ज्यादा कमजोर तबके के लोगों प्रभावित होते दिखे। वहीं उनकी मदद के लिए सरकार ने कई अहम तरह के ऐलान भी किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बीते गुरुवार से सभी राशन कार्ड धारक के खाते में 1,000 भेजे गए हैं। सिर्फ बिहार राज्य में ही नहीं, अन्य राज्यों में फंसे बिहारियों को भी सरकार ने अपनी तरफ से 1,000 की आर्थिक मदद दी है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की बातचीत। दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इसी क्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत की, जहां पर उन्होंने वर्तमान हालत के बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंद की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्ती से लागू कराने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार को जल्द ही कोरोना से बाहर निकालने का आश्वासन भी दिया है। कोरोना के लिए फोन करके मदद मांगने वालों को भी बिहार सरकार देगी आर्थिक सहायता। भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की सहायता के लिए कई सारे अहम ऐलान किए हैं, जिसके तहत बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सूचना देने वाले और सहायता मांगने वालों को आर्थिक रूप से मदद करने की पहल की है। इसके तहत सरकार उनके खाते में 1,000 रुपए भेजेगी। बस उन लोगों को फोन कर एप्लीकेशन भेजा जाएगा, जिस पर उन्हें अपना निबंधन कराना होगा। इसी से लगभग 3 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बिहार के 6 मस्जिदों को छिपने के लिए इस्तेमाल किया तबलीगी जमात के 70 मेंबर ने। हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन में पकड़े गए तबलीगी जमात के सदस्यों को बाहर आने से कई तरह की खबरें सामने आई हैं, जिसके तहत कई मेंबर्स के अलग अलग राज्यों में होने की खबर भी सामने आई है। वह बिहार से भी लगभग 70 ऐसे सदस्यों का पता चला है, जिन्होंने बिहार के अलग अलग 6 मस्जिदों को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से इन सभी जमाती सदस्यों की ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रैक करने में लगी हुई है। वहीं मिल रहे सभी लोगों को सरकार जल्द से जल्द आइसोलेशन सेंटर में भी भेज रही है। सरकार द्वारा दिए गए प्रलोभन पर सभी नियोजित शिक्षकों ने दिया अपना बयान। हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों से काम पर वापस लौटने का प्रलोभन दिया गया था, जिसके जवाब में उन सभी नियोजित शिक्षकों ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत पटना प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को जवाब देते हुए यह साफ कर दिया है कि आप ऐसे प्रलोभन को देकर शिक्षकों की एकता को अखंडता नहीं कर सकते हैं। आपने अपने अधिकारी के द्वारा लगातार हमें लालच का पासा फेंक रहे हैं और ऐसे उनकी एकता नहीं बिगड़ने वाली है। पटना के 2 और लोगों में कोरोना की परीक्षा की पास। पटना निवासी के 2 लोग हाल ही में कोरोना की परीक्षा को पास कर लिया है। यह दोनों के दोनों फुलवारी और बभनपुरा और बटाऊ कुआं के रहने वाले हैं। ज्ञात हो इन दोनों में से एक व्यक्ति कुछ दिन पहले ही स्कॉटलैंड से वापस लौटा था, वहीं दूसरा व्यक्ति भी अब बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को NMCH से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि दोनों को अभी आने वाले 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। सरकार अब हार्वेस्टिंग के लिए किसानों को देगी पास। भारत सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद हर किसी की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं किसानों की फसलें भी खेत में पूरी तरीके से तैयार है, मगर बंद के कारण किसान भी घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के सचिव M. श्रवणन ने किसानों के हित में आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब किसानों को उनके खेतों में हार्वेस्टिंग के काम के लिए नहीं रोका जाएगा, बल्कि सभी किसानों को इसके लिए विशेष पास मुहैया करवाए जाएंगे।
बंद के दौरान बिहार में खाने पीने के सामान की कमी नहीं होने का किया गया दावा। बंद के दौरान लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं कई बार ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही थी कि आने वाले समय में बिहार में खाने की कमी होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव ने यह साफ कर दिया है कि बंद की स्थिति में पूरे राज्य में खाद्य सामग्री को स्टॉक कर लिया गया है। आटा, चावल, गेहूं समेत किसी तरह के खाद्य सामग्री की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। बंद के दौरान पुलिस ने जमा किए 1,12,00,000 रुपए। बिहार में बंद के बावजूद कई लोग नियमों का पालन नहीं करते देखे गए। वहीं उन सब पर प्रशासन ने भी सख्ती से पेश आते हुए 1,12,00,000 रुपए की राशि जमा की है। वहीं 6,208 वाहनों को भी जब्त किया गया है। वहीं नियम तोड़ने की सूची में सबसे पहले गया का नाम शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर अररिया जिले का नाम शामिल है। ज्ञात हो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने बीते दिन भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया था, जिसके बाद से तमाम राज्यों में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। अंत्योदय मनरेगा और मजदूरों को मुफ्त में मिलेगा राशन। कोरोना के कारण बंद के ऐलान के बाद कमजोर तबके के लोगों की मदद के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के अलावा मनरेगा कार्ड धारक, श्रम विभाग में निबंधित श्रमिकों और नगर निगम में पंजीकृत मजदूरों को भी राशन दिए जाने का निर्देश जारी किया है। खबरों की माने तो इन सभी को अंत्योदय योजना के तहत राशन मुहैया करवाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने सामान्य वर्ग के बीपीएल सूची वाले प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड वालों को भी खाने पीने के सामान के लिए पैसे देने का ऐलान जारी किया है। तबलीगी जमात में शामिल गया के 9 लोगों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। दिल्ली का निजामुद्दीन में तबलीगी जमात कार्यक्रम में खुलासे के बाद सभी राज्यों की सरकार हरकत में आ गई है। वहीं बिहार में भी तबलीगी जमात में शामिल होने के कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके तहत गया में शामिल हुए 9 लोगों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और उन सभी को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है, जिसकी जानकारी गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी सेंटर अर्जुन भवन को आइसोलेशन सेंटर में बदलने का दिया प्रस्ताव। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने अपने पूर्णिया स्थित पार्टी सेंटर अर्जुन भवन को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके लिए पप्पू यादव ने पूर्णिया जिला अधिकारी राहुल कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें लिखा है कि कोरोना से बिहार के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें सतर्कता का खास ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं पूर्णिया के जन अधिकार पार्टी कार्यालय में कोरोना से आशंकित लोगों को रखने की पेशकश कर रहा हूँ। बिहार में रेडियो के माध्यम से 8वीं से 12वीं तक की होगी पढ़ाई। बिहार में अब सरकारी स्कूल के 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। खबरों की माने तो बंद के कारण घर में बैठे बैठे छात्र का काफी समय यूं ही बर्बाद हो जाता है, उसी को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से छात्रों के लिए यह सुविधा जारी की गई है। वहीं कक्षा 12 मटेरियल यूनिसेफ की मदद से छात्रों के लिए विषयों के आधार पर जरूरी कंटेंट भी तैयार किया जा रहा है। बाहर से आए लोगों को 14 दिन तक किया जाएगा आइसोलेट। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना नगर निगम ने एक विशेष मुहिम चलाई है, जिसके तहत पटना में जो भी लोग पिछले एक महीने में विदेश या दूसरे राज्यों से आए हैं, उन्हें घर में ही पर्ची चिपकाकर उन्हें उनके घर में ही आइसोलेट किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने पटना के सभी अंचलों के वोटों से लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो नगर निगम की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कोरोना की स्थिति से भले ही सभी राजनीतिक दल एक साथ नजर आ रहे हों, मगर कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर टिप्पणी करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 18वें दिन समय निकालकर बिहार को संबोधित किया, जबकि इसी अवधि में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यवासियों को कोरोना को लेकर कई बार संबोधित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डॉक्टर्स द्वारा बार बार पर्याप्त किट नहीं मिलने की मांग को फिर से दोहराया है। दिल्ली के बिहार भवन में 3.5 लाख लोगों की समस्या का निकाला गया समाधान। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही दिल्ली में रह गए बिहार के लोगों की मदद के लिए बिहार भवन में स्थापित नियंत्रण कक्ष में शाम 6 बजे तक फोन और व्हाट्सएप के जरिए कई तरह की समस्याएं आती हैं। खबरों की माने तो नियंत्रण कक्ष की ओर से 3,54,345 व्यक्तियों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकाला गया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार भी नियंत्रण प्रयास करके बाहर रह गए बिहारियों की मदद करने में लगी हुई है। बिहार के मजदूरों को अब खाना बांटेंगे भाजपा के कार्यकर्ता। कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ गई हैं। वहीं बिहार की वर्तमान सरकार भी लगातार कोशिश करके बिहार को स्थिति से बचाने की मुहिम में जुटी हुई है। वहीं अब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार के सभी मजदूरों को खाना बांटने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने घर बनाए खाने को पैकेट बनवाकर लोगों के बीच बांटने का काम करेंगे।
जा प्रमुख पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 5 महीने की पेंशन। जा प्रमुख पप्पू यादव आए दिन लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से कोरोना की स्थिति में अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 महीने का पेंशन देने का ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं पप्पू यादव ने लोगों की ऑनलाइन मदद के लिए फेसबुक पेज पर विभिन्न राज्यों में मदद के लिए नंबर भी जारी कर दिया है। इससे पहले पप्पू यादव दूसरे राज्यों से लौट रहे बिहार के लोगों की आर्थिक रूप से मदद करते भी देखे गए थे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने की भोजपुरी में लोगों से घरों में रहने की अपील। बिहार के रहने वाले पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में भोजपुरी में अपना एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से बंद के दौरान कुछ क्रिएटिव काम करने की अपील की है। साथ ही अपने गृह जिले गोपालगंज के लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सख्ती से पालन करने की बात कही है। ज्ञात हो, पंकज त्रिपाठी के वीडियो को शेयर होने के बाद ही यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा था। गौतम गंभीर ने अपने 2 साल की सैलरी को किया दान। कोरोना के बढ़ते असर के बीच दुनिया के कोने कोने से तरह तरह की मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और अभी भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने अपने 2 साल की सैलरी को दान में देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी गौतम गंभीर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से साझा की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा था कि पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए मैं अपनी तरफ से 2 साल का वेतन प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में देने जा रहा हूं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी किया अपना फैसला। सीबीएसई ने एक बार फिर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत 29 मुख्य विषयों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजन कराने की सलाह दी है। सीबीएसई की माने तो यह वह विषय है जो पास किए जाने और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बाकी देशों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी और उनके मार्किंग आदेशानुसार किए जायेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है न्यूज टाइम, प्रियांशु कुमार, अभिषेक लाल यादव, शिवम कुमार गुप्ता, संजय कुमार, अरविंद गर्ग, जितेंद्र रॉय, राकेश कुमार यादव, शंभु कुमार, सुदेश राजभर, राहुल राज, नीलेश कुमार रॉय, वजीर एंटरटेनमेंट, विजय कुमार, हेमंत कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार बंदी के माहौल में आपके इलाके में लोग कोरोना के बचाव के लिए घरों में रह रहे हैं या फिर नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।